हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है लविशा की सफारी में। आज ये सफारी आपको ले जा रही है एक ऐसी जगह जहाँ पे आप खूब सारी शॉपिंग तो कर सकते हैं लेडीज स्पेशल, और खूब तरह के खाना भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पे शॉपिंग प्लस ईटिंग बहुत ज़्यादा हो जाने वाली है, और बहुत ही क्वालिटी की शॉपिंग कराने वाली हूँ और बहुत ही क्वालिटी का खाना भी खिलाने वाली हूँ मैं आपको। तो मेरा ब्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। तो चलिए अपने सफ़र पे निकलते हैं ऐसी शॉपिंग करने। चलिए हाँ दोस्तों, तो हम पहुंच गए हैं अपनी जगह पे। हम पहुंचे हैं बाबा खड़क सिंह मार्ग पे, जो कि पड़ता है कनॉट प्लेस में। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, सीपी में बहुत तरह के मेले लगते हैं और बहुत तरह की एग्जीबिशंस यहाँ पे लगती हैं, बहुत तरह के इवेंट्स यहाँ होते हैं। तो आप कभी भी दिल्ली विजिट करें तो सीपी में ज़रूर कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। तो इस बार चल रहा है यहाँ पर स्वदेशी मेला। ये बहुत आधुनिक मेला है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हैंडलूम की, हैंडक्राफ्ट्स की चीज़ें आपको दिखेंगी और बहुत ही ऑथेंटिक फूड है आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पे शॉपिंग करने को मिल सकती है और हम यहाँ पे क्या क्या खाना टेस्ट करने वाले हैं। तो ये पहुंच गए हम स्वदेशी मेला के एंट्री गेट पे। एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, बस आप जो शॉपिंग करेंगे, जो खाना खाएंगे, उन्हीं के चार्जेस हैं। और सब फूड स्टॉल्स के आगे यहाँ पे टोकन वाले बैठे हैं, जहाँ पे आपके टोकन कट रहे हैं और आप अपने हिसाब से जो भी आपको टेस्ट करना हो, जो भी आपको खाना हो, वो आप फूड ले सकते हैं। और पार्किंग इसकी बिल्कुल बैक साइड में है, तो कार पार्किंग की बहुत एम्पल पार्किंग होती है, स्पेस बहुत होता है, तो आप आराम से पार्क करके फ्रंट साइड पे आके यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। बीच में भी इसकी एंट्री है, बट हमने इसकी स्टार्टिंग से एंट्री ली है। तो ये स्टार्टिंग में यहाँ पे फ्रेस्का के, भेलपुरी वाले के स्टॉल्स लगे हुए हैं। आगे चलते जाएंगे तो हमें और भी स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अब आ रहा है हमारा ये चुस्की मोमोज का स्टॉल। पाव भाजी मिल रही है यहाँ पे, देखने में तो बहुत यम लग रही है, उबल रही है भाजी। टिक्की है, आलू चाट है, चिल्ला है, ब्रेड पकोड़ा है, जो भी आप यहाँ पे टेस्ट करना चाहें। और अब हम आ गए हैं राजस्थानी स्टॉल पे, जो कि इन्होंने ये चूरमा के लड्डू बनाए हुए हैं, नमकीन रखी हुई है, बाटी रखी हुई है, मावा की कचौड़ी है, प्याज की कचौड़ी है, मिर्ची वड़ा है, कुल्हड़ की चाय है, मूँग दाल हलवा है, कढ़ी है। ये पूरी इनकी एक थाली है जिसमें ये आपको ये सब सर्व करेंगे। मैं आपको इनकी थाली दिखाती हूँ अभी। आप डायरेक्ट काउंटर्स पे भी पे कर सकते हैं ऑनलाइन, और टोकन भी ले सकते हैं। तो वो भैया देखिए पीछे थाली लगा रहे हैं, उस थाली में वो क्या क्या डाल रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने दाल डाली है, कढ़ी डाली है, गट्टे की सब्जी डाली है, बाटी को चूर चूर करके डाला है, और जब वो बाटी के ऊपर दाल डाल देंगे ना, तो आप देखिए वो उसके ऊपर और क्या डालने वाले हैं, जिसमें तो टेस्ट ही आ जाता है, बिना उसके तो आपको टेस्ट आ ही नहीं सकता। बताइए क्या उसमें डलेगा आपका। ये देखिए, ये आया है उसमें असली मज़ा, घी का तड़का। अगर दाल बाटी में घी का तड़का ना लगे तो मज़ा नहीं आता। इसके साथ वो आपको देते हैं एक बाजरे की रोटी, एक मिस्सी की रोटी, हलवा, दाल बाट चूरमा और चूरमा का लड्डू। तो ये पूरी थाली जो इनकी कॉम्पैक्ट थी, ये पड़ी थी हमें 300 की। ये एक और राजस्थानी काउंटर था जहाँ पे हमें ये एक दाबेली देखने को मिली थी। वैसे दाबेली मुझे लगता है वो पाव में होती है, पर इन्होंने बर्गर्स में बनाई हुई थी। बाकी इनके पास आइटम्स मोर और लेस सब सेम ही थे, बट हमने पहले वाले स्टॉल से टेस्ट करा था, हमें तो वो बहुत 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 यमी लगा था। उनका अपना स्टॉल भी है दिल्ली हाट में, आप अगर वहाँ पर टेस्ट करना चाहें ना, तो आप INA दिल्ली हाट जा सकते हैं वो टेस्ट करने, 300 रुपये की जो थाली मैंने अभी आपको दिखाई थी। जैसे कि दिल्ली वाले चटोरे होते ही हैं, तो नेक्स्ट काउंटर हमारा है दिल्ली की चाट का, जहाँ पे आपको केसरिया जलेबी, आलू टिक्की, बटर पाव भाजी, ये सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इनका हमने जलेबी टेस्ट किया था, शाम के टाइम पे किया था हमने, सुबह के टाइम पे हमारा बहुत फुल हो गया था, और ये हमने कड़ा दूध भी पिया था इनका। तो ये दोनों आइटम्स इनकी बहुत अच्छी थी, वर्थ टू मनी थी, मतलब पैसा वसूल मनी थी, आइटम थी, तो आप
अब दोबारा आए ना स्वदेशी मेला, तो आप इनके स्टॉल पे से भी आराम से खा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉल जो हमारा था वो रॉयल बेवरेजेस एंड केटर्स ने लगाया हुआ था, जो कि गोलगप्पे थे, मोमोज थे, चाउमिन थे। ये भैया बहुत एक्साइटेड थे जब मैं वीडियो बना रही थी, तो वो बता रहे थे कि हमारी स्पेशल आइटम है। देखिए वो भी करके बताएंगे भी। ये भैया इतने हंसमुख और एक्साइटेड थे कि उन्होंने उसी वक्त अपना फोन हमें दिया और कहा कि अपना चैनल सब्सक्राइब करा दो ताकि हम अपने आप को उसमें देख सकें। तो ये सब इनके स्टॉल पे मिल रहा था, वड़ा भी, मोमोज भी। आगे हम गए तो हमें ये कुल्हड़ चाय, एक यहाँ पे थी बहुत बड़ी जलेबी, मोहाना जलेबी। मतलब एक प्लेट में एक ही जलेबी मिलेगी, जिससे आप पिक्चर देख रहे हैं ना वैसे ही पिक्चर, मतलब वैसी ही जलेबी है, मोटी सी। दिखाती हूँ अभी मैं आपको। ये तो इनका दूध कर रहा था, वो साइड में इनका गाजर का हलवा था, गुलाब जामुन है, और ये जलेबी देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी जलेबी थी ये, एक प्लेट में एक ही जलेबी आई थी। ये भैया निकाल भी रहे हैं चाशनी से अभी, ताजी ताजी। अगले स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है चौपाटी। चौपाटी पे हमें मिल रहे थे पोहा, दो तरह के पोहे थे, एक इन्होंने मूंगफली डाल के बनाया हुआ था थोड़ा कोकोनट कस के, और दूसरा इन्होंने थोड़ा स्पाइसी बनाया हुआ था। ये दो तरह के पोहे थे। एक ही नई आइटम मैंने यहाँ पे देखी, इसको बोलते हैं गराड़ू, और इसको सिर्फ काट के आलू की तरह तल के इसको फ्राई करके उसकी चाट बना के खाया जाता है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं रखे हुए हैं लक्कड़ से मोटे मोटे से, ये है गराड़ू। कोई सब्जी होती होगी जो कि मैंने तो दिल्ली में देखी नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ था, मैंने इनसे पूछा भी स्पेशली कि ये क्या है। और साइड में इनके पास वही थी दाबेली और इनके पकौड़े। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो खाने के स्टॉल ख़त्म हो जाते हैं, और आगे इनकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या और आगे इनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में एक जड़ी बूटी का स्टॉल लगा हुआ है, जो आपकी नस देख के, आंतड़ियाँ देख के वो आपके बारे में बताते हैं कि आपका पित्त कितना है, वात कितना है, उस हिसाब से ही आपको जड़ी बूटियाँ यहाँ पे ऐसे मिक्सचर बना के, पाउडर बना के समझा के देते हैं कि आपका जो फैट है, आपका जो भी अंदर प्रॉब्लम है वो सब ख़त्म हो जाएगी। ये सब मैंने प्रगति मैदान में भी बहुत देखा है, तो आई डिडंट गो टू दीज थिंग्स। फिर आपके यहाँ पे कुछ डेकोर की आइटम्स आ जाती हैं, जो कि सारी हैंडमेड हैं और हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई हैं, जो लोगों ने यहाँ पे खुद बना बना के अपनी प्रदर्शनी लगाई हुई है, तोरण में, टसल्स में, कठपुतलियाँ जो ये बनी हुई हैं, आपने कठपुतलियों के शो तो देखे होंगे, यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मिल रही थी, वुडन की बहुत चीज़ें थी। अगला स्टॉल ये पंसारी वालों ने अपना लगाया हुआ है, इन्होंने कोई नई चाय लॉन्च की है, जो कि यहाँ पे वो सबको बना के टेस्ट करा के दिखा रहे थे, और जो भी इनकी आइटम्स प्रोड्यूस होती हैं वो उन्होंने सारे यहाँ पे इन्होंने पैक्स रखे हुए हैं, जो कि आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे पंसारी ग्रुप वालों ने अपना क्या क्या लगाया हुआ था। ये नेक्स्ट स्टॉल सहज योग वालों ने लगाया था, जो कि ये इनकी परम पूज्य माता जी हैं, जो कि अभी ये तो सिधार चुकी हैं, बट इन लोगों का मानना है कि इनकी फ़ोटो से अगर आप ध्यान लेते हैं, योग करते हैं, तो आपकी ये कुंडलिनी जागृत करती हैं। आप कुंडलिनी देख रहे हैं हमारे कहाँ पे स्थित होती है, ये उसको जागृत कराते हैं, और फिर आपकी जितनी भी अंदर कुंडलियाँ हैं उनको कंट्रोल में करते हैं, और आपको एक तरीके से ये महायोग का जो है
वो रास्ता दिखाते हैं कि आप महायोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना ये पूरा एक स्टॉल लगाया हुआ था और इन्होंने अपने बहुत पैम्फलेट्स वगैरह भी दिए थे। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इनकी पूरी जानकारी लेके आई हूँ, तो मैं आपको अलग से सारी जानकारी कॉमेंट सेक्शन में दे दूँगी। ये यहाँ पे सब लोग ध्यान कर रहे हैं, वो योग करने की जो उन्होंने बताई है वो प्रक्रिया चल रही है, और ये दोनों लेडीज़ पीछे की चार लेडीज़ भी ये सब यहाँ पे वो योग का प्रोसेस कर रही हैं। तो गर्ल्स एंड लेडीज़ आप अलर्ट हो जाइए क्योंकि आपका शॉपिंग का अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है। यहाँ पे सिल्क के बहुत वेराइटीज़ थी, वुलन की बहुत वेराइटीज़ थी और कपड़ा बिल्कुल मखमल था। आप यहाँ से सूट उठाओ, 1500-1500 रुपए की यहाँ पे स्टार्टिंग थी सूटों की, और साड़ियों की अलग अलग रेंजेस थी, पर जो जो स्टार्टिंग थी साड़ियों की वो आपकी 5000 से 7000 से आपकी स्टार्टिंग थी। अलग अलग स्टॉल पे अलग अलग प्राइसेस थे, बट आप अगर आप जाना चाहें यहाँ पर सिल्क का अगर आपको ख़रीदना है तो बहुत अच्छी इनके पास आइटम्स थी। सब स्टॉल्स पे ना सिल्क तो मिल ही रहा था, पर उनमें डिफरेंस क्या था, किसी के पास ब्लॉक प्रिंट में था, किसी के पास हैंड प्रिंट में था, कोई बांधनी में था, कोई आपका हैवी वर्क में था, लाइट वर्क में था। आप डेली यूज़ के हिसाब से भी ले सकते हैं, गिफ्टिंग पर्पस के हिसाब से भी ले सकते हैं। राजस्थान वालों ने, भगोल वालों ने, बेंगलोर वालों ने अपने अपना यहाँ पे आइटम लगाया हुआ था, पर कपड़ा और जो क्वालिटी थी कपड़े की वो बहुत ही अच्छी थी, और मतलब गिफ्टिंग पर्पस से भी ना मतलब कमाल का लगा मेरे को। और आप वहाँ पर अपने लिए शॉपिंग करना चाहेंगे तो आपकी अपनी पर्सनल शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह थी, मतलब कपड़े की क्वालिटी बोल रही थी कि हाँ आप ये खरीद सकते हो, वर्थ इट था सारा। ये जयपुरी की थोड़ी राजस्थानी ज्वेलरी थी। ज्वेलरी इनकी जो झुमके थे वो इनके स्टार्टिंग 200 से थे, बैंगल्स इनके 300 से थे, और बाकी जैसे जैसे इनकी कलेक्शन थी, जैसे जैसी वैरायटीज थी, वैसे वैसे उनके ऊपर के दाम थे। तो ये इनकी सारी कलेक्शन है ईयरिंग्स की और बैंगल्स की और नेकलेसेस की। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ब्लॉक प्रिंट्स का भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम था, तो ये पूरा स्टॉल इनका ब्लॉक प्रिंट्स का था। इनके जितने भी ड्रेस मटेरियल्स थे सारे ब्लॉक प्रिंट्स के थे, और प्रिंट्स बहुत ही माशाल्लाह थे, बहुत ही सुंदर प्रिंट्स बनाए हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कलर्स क्या हैं, प्रिंट्स क्या हैं, बहुत ही सुंदर थे, और इनकी स्टार्टिंग 2000 से थी। अगला स्टॉल हमारा जम्मू एंड कश्मीर का था। जम्मू एंड कश्मीर का तो वुलन होता है, तो इनका वुलन भी बहुत अच्छा था। और जो ये फर वाली आप जैकेट देख रहे हैं, ये जैकेट इनकी 4500 की थी। इनका वुलन का स्टफ़ बहुत अच्छा था, पर वुलन है, जम्मू कश्मीर का है, तो वो थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव होगा ही, तो बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी वुलन की। और जैसे कि पश्मीना होता है गरम, तो इन्होंने गरम ही रखा हुआ था सब स्टफ़, जितना वुलन स्टफ़ था वो छू के बोल रहा था कि हाँ गरम है। तो ये इन्होंने एक हमें शॉल वाला पीस सूट खोल के दिखाया था आंटी को, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा डल कलर है तो बुज़ुर्गों के हिसाब से ठीक है, बट इनके पास काफ़ी वेराइटीज़ थी, कलर्स भी बहुत अच्छे थे वुलन स्टफ़ में। और इनकी जो स्टार्टिंग थी सूट्स की विद शॉल्स, तो वो इनकी 2500 से थी।
नेक्स्ट रोल ये यूपी वालों ने अपना लगाया हुआ था गुड़ का, तो इन्होंने गुड़ के फॉर्म में जो भी बनता है वो सब बनाया हुआ था। जैगरी पाउडर था, जैगरी की इनकी सारी पट्टियाँ थी, ये चकली भी थी और बहुत सारी आइटम्स बनाई हुई थी इन्होंने गुड़ की। तो वो सबको टेस्ट भी करा रहे थे और वो सब लोग जिनको टेस्ट आ रहा था वो खरीद भी रहे थे। तो इनकी आइटम्स काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारी पट्टियाँ पुट्टियाँ रखी हुई थी उन्होंने गुड़ की बनाई हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं मूंगफली की भी पट्टियाँ हैं इस पर ये सारा आइटम इन्होंने गुड़ का बनाया हुआ है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो हमें यहाँ पे कश्मीर का एक और स्टॉल दिखा था जहाँ पे वुलन के फैरन्स मिल रहे थे, जो कि वहाँ का बहुत नॉर्मल कल्चर है जो कि वहाँ पे लोग पहनते ही हैं। तो इनके पास भी काफ़ी अच्छे कलर्स और कलेक्शन थे फैरन के और वुलन शॉल्स के और ड्रेस मटेरियल्स के। इनका थोड़ा सा हैवी वर्क में था सारा, तो कलेक्शन इनकी भी बहुत ही बढ़िया थी और इनका कलेक्शन थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। तो ये आपका जो रेंजेस स्टार्ट होते हैं वो 3500 से इनकी स्टार्टिंग थी। जो अभी आपको मैंने पीछे एक स्टॉल दिखाया था सहज योग का, सहज योग वालों ने यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल प्रोग्राम रखा हुआ था। जो भी यहाँ पे लोग बैठे हुए थे इनका भजन कीर्तन थोड़ा सा हो जाने के बाद इन लोगों ने उन सबको भी ध्यान योग में लाके उनकी कुंडलियाँ खोली थी। मैं वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकी थी तो मुझे सबका नहीं पता, बट वहाँ पे सब लोग जो बैठे थे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे ये महायोग करा रहे हैं और आपकी कुंडलियाँ जो भी हैं आपकी इंद्रियों को खोल रहे हैं। तो वहाँ पे ये सब लोग म्यूजिकल का भी आनंद ले रहे थे और म्यूजिक खत्म इनका म्यूजिकल प्रोग्राम के बाद जो इनका योग था उसका भी लोगों ने भरपूर आनंद लिया है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पे दिखता है हरिद्वार उत्तराखंड के लोगों ने अपने कोट्स के वुलन कोट्स का स्टॉल लगाया हुआ है। इनके कोट्स की स्टार्टिंग जो थी वो 4500 की थी पर कोट, जो कि वो बोल रहे थे कि हमने सेल में लगाया हुआ है अभी। और इनके सारे ये वुलन के स्टफ था और कोट के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे खेस भी लगाए हुए थे। इसके साथ में बंदा बैठा है उसने अपनी कॉटन की दोहर की स्टॉल लगाए हुआ है, मलमल का कॉटन का दोहर है सारा और इसके प्रिंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत लाइट शेड में थे और जो नीचे रखे हुए हैं वो डार्क शेड में थे, जिसकी स्टार्टिंग इनकी 2500 से थी। और हम आगे चलेंगे तो हमें वो भी मिले देखेंगी, ये कॉटन की जैकेट्स भी हैं। ये हमारी जूट की दरियाँ आ गई हैं, छोटी छोटी दरियाँ थी सारी जो कि आप फुट मैट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, आसन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये है दोस्तों आपका सारा बनारसी सिल्क, बनारसी सिल्क के प्रिंट्स ही इतने सुंदर होते हैं। ये सारी वो साड़ियाँ खोल खोल के दिखा रहे हैं, इनके पास ड्रेस मटेरियल्स भी था और साड़ियाँ भी थी। इनका ड्रेस मटेरियल बहुत सुंदर था और इनकी साड़ियों के प्रिंट्स और कलर्स भी बहुत अच्छे थे। फिर हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर के पंपोश फूड्स पे, जो कि ये ड्राई फ्रूट्स बेच रहे थे अपने जम्मू एंड कश्मीर के। दोस्तों यहाँ पे आइटम्स बहुत सारी हैं, रिपीटेटिव स्टॉल्स हैं बट सबके पास आइटम्स अलग हैं।
जैसे कि यहाँ पे इन्होंने तेलंगाना के आभूषण लगाए हुए हैं जो कि फेमस है हैदराबादी मोतीज, तो उन्होंने सारे यहाँ पे अपने मोतीज के सेट लगाए हुए हैं, ईयरिंग्स लगाए हुए हैं, स्टड्स लगाए हुए हैं, मालाएं लगाई हुई हैं। और हम आगे देखेंगे तो हमें और भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। मेला बहुत बड़ा सा था तो हमें मेले में तो बहुत आनंद आया। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को भी और मेरे ब्लॉग्स को भी। मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि और भी बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स और एग्जीबिशंस आपके लिए आने वाले हैं, आपसे कुछ मिस आउट ना हो जाए इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार और अपना साथ मुझे देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।